आपको कब पता लगा इस बारे में? कुछ किसी तरह की मदद मिली है आपको अभी तक? नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली मुझे। 3:30 बजे मेरे पास फोन गया कि बेटा तुम्हारा भतीजा चला गया। आपका भतीजा था 6 साल का? तो अभी 6 साल का पूरा नहीं हुआ था, 5 साल का सिटी पर गया था। ये बाबा के सत्संग में जाते रहते थे आप मंजू देवी जी? हाँ, जब भी समय मिलता था जाते थे। 5 बजे तो भैया भाभी को ले गए थे, बच्चे को ले गए थे। वो भी बहुत छोटा भी सकता मगर भजन सुनता रहता था उनके। सरकार से कोई आया है आपसे मिलने, किस तरह की मदद करने की बात कही है? किसको जिम्मेवार मानती है इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती? सबसे ज्यादा प्रशासन का हुआ था दूसरे, मतलब प्रशासन नहीं था। अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता। अगर बाबा अपने लिए इतनी सुविधा कर सकते हैं, वह जनता की पता है कि इतनी जनता आएगी, मेरी भीड़ भाड़ होती है, तो उन्हें प्रशासन लगाना चाहिए। बहुत डील थी। फिर मेडिकल में भी कोई सुविधा नहीं थी, अगर मेरी भाभी की दवा गोली होती तो भाभी बच जाती थी। आपको कितने बजे आपको पता लगा कि वहाँ पे ये घटना हुई है, और कहाँ पर बुलाया गया था आपको प्रशासन की तरफ से शिनाख्त के लिए? मुझे हॉस्पिटल ही पहुंची थी मैं यहाँ से डायरेक्ट हाथरस। वहीं पर आपका भतीजा और भाभी? मेरा भतीजा वहीं मिला था। माता थी आपकी? मेरी भाभी थी। भाभी थी। 4 बेटियों के बाद हुआ था बेटा। अभी राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने क्या बात की, किसी तरह का आपको भरोसा आश्वासन दिलाया? हाँ, वो यही कह रहे थे कि सरकार के द्वारा पूरी मदद की जाएगी आप लोगों की। सरकार ने कुछ कंपनसेशन भी अनाउंस किया है, उसके बारे में आपको पता है? उसके बारे में आप? हाँ, ये बता रहे हैं जो मृत्यु हुई है उसके लिए 2 लाख रुपए। क्या होगा पैसे का? पैसे का क्या होगा? मेरा बेटा चला गया। न भाभी रही, न भतीजा ही रहा मेरा। हिम्मत मांगे रखिए प्लीज, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। सर मुझे क्या बताई, मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, मैं तो जान भी नहीं देती।